नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पॉपुलर टीवी एक्टर कवि कुमार आजाद यानी डॉक्टर हाथी, जो सबको हंसाते थे, अब वो नहीं आएंगे। महज 46 साल के आजाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंस राज हाथी का रोल कर रहे थे। आजाद से पहले भी इंडियन टीवी इंडस्ट्री पर ऐसा कई बार हो चुका है जब किसी शो में काम कर रहे एक्टर या एक्ट्रेस की अचानक मौत हो जाती है। आइए आपको बताते हैं वो टीवी एक्टर जिनकी अचानक मौत ने सकते में डाल दिया सभी को। रीमा लागू। 18 मई 2017 को 58 साल की रीमा लागू का निधन हार्ट अटैक से हो गया। उस वक्त वो टीवी सीरियल नामकरण में दयावंती मेहता का रोल कर रही थी। उन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और वास्तव जैसी फिल्मों में सलमान और संजय दत्त की मां का किरदार निभाया था। इसके अलावा भी वो और भी कई फिल्मों में आ चुकी हैं। माना गया कि उनकी मौत खर्राटे लेने की वजह से हुई। रुबीना शेरगिल। रुबीना की डेथ 29 साल की उम्र में हुई। ये मौत अस्थमा अटैक से हुई। रुबीना की जब डेथ हुई तब वो 2011 में टीवी सीरियल मिसेस कौशिक की पांच बहुएं में काम कर रही थी। शो के सेट पर ही उन्हें अस्थमा का अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। 29 साल की रुबीना कई हफ्ते कोमा में रही। 12 जनवरी 2012 को दोबारा अस्थमा अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अबीर गोस्वामी। अबीर गोस्वामी की डेथ भी सैडन डेथ रही। एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी। अबीर गोस्वामी का निधन 31 मई 2013 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। ये दौरा उन्हें मलाड महाराष्ट्र में जिम करते समय आया था। 37 साल के अबीर उस वक्त टीवी सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा में काम कर रहे थे। उनके निधन के बाद विमर्श रोशन को शो में उनकी जगह लिया गया। तो ये डॉक्टर हाथी के साथ वो टीवी एक्टर रहे जिनकी भी सडन डेथ ने टीवी जगत को सकते में ला दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।